गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बॉर्न ब्रेसे के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। स्टैंडर्ड 7 में जैसा कि आप लोगों को पता है, चैप्टर 6 आप लोगों को मैं पढ़ा रही हूँ। आज भी आगे इसी चैप्टर को पढ़ाने जा रही हूँ, तो आज आप लोग पेज नंबर 45 को ओपन कीजिए। और साथ ही आप लोगों को एक बात और बताना चाहूँगी कि यदि इस चैप्टर में आप लोगों को कहीं किसी भी पंक्ति को समझने में परेशानी हो रही है या आप लोग उसे अच्छी तरह से नहीं समझ पा रहे हैं, दोबारा जानना चाहते हैं या कोई पैरा ही पूरा आप फिर से जानना चाहते हैं, तो आप लोग उसे मार्क कर रखिएगा और स्कूल खुलने पर उसे मैं आप लोगों को दोबारा बताऊंगी। तो चलिए अभी हम लोग आगे पढ़ना शुरू करते हैं। कल पेज नंबर 45 का फर्स्ट पैरा मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था, आज उससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें देखते हैं क्या लिखा है राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में। उससे पूर्व वर्ष 1946 में देश का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष पद का दायित्व उन्हें सौंपा गया था। तो कल हम लोगों ने बात की भारत के स्वाधीन होने की, स्वतंत्रता होने की, और आज यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमारे देश के आज़ाद होने से एक वर्ष करीब पहले यानी 1946 ईस्वी में देश का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष पद का दायित्व राजेंद्र प्रसाद जी को सौंपा गया था। जब 1950 ईस्वी में भारत गणतंत्र बना तो वे सर्वसम्मति से देश के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। तो देश आज़ाद होने के बाद हमारा जब संविधान लागू हुआ, हमारा संविधान कब लागू हुआ, 1950 ईस्वी में, तो उस समय सभी की सम्मति से यानी सबके सहमत होने के बाद देश के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया। इस महान व्यक्तित्व ने अपने संपूर्ण सेवा काल में राष्ट्रपति भवन का कभी भी निजी कारणों से उपभोग नहीं किया। तो ये एक ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने अपने निजी कारणों, मतलब अपना जो उनका स्वयं का कोई काम होता उसमें उन्होंने राष्ट्रपति भवन का कभी भी प्रयोग नहीं किया था। यह उनके महान चरित्र की पराकाष्ठा थी कि वे मात्र एक कमरे में रहते थे और अपनी पत्नी के हाथ से बना भोजन ही ग्रहण करते थे। यहाँ पर उनके चरित्र के बारे में कहा जा रहा है कि ये उनके चरित्र की पराकाष्ठा यानी चरम सीमा थी कि वे मात्र एक कमरे में ही रहते थे और अपनी पत्नी द्वारा बनाए गए भोजन को ही ग्रहण करते थे। ऐसे निस्वार्थ राष्ट्र प्रेमी को सत सत प्रणाम। समस्त राष्ट्र का स्वामी होने के बावजूद उन्होंने किसी भी विशिष्ट सुख सुविधा का अपने लिए कभी उपयोग नहीं किया। वे स्वयं रेलवे की सामान्य यानी साधारण श्रेणी में ही यात्रा करते थे। जनसंपर्क में रहना यानी लोगों के संपर्क में रहना तथा आम लोगों से मुलाकात करना उन्हें बहुत भाता था। उनके द्वारा रचित कुछ विशिष्ट पुस्तकों में उनकी आत्मकथा सर्वोपरि है तथा चंपारण में सत्याग्रह
बापू के कदमों में आदि उनकी प्रमुख उल्लेखनीय पुस्तकों में शामिल है। तो उनके चरित्र की विशेषताओं का वर्णन तो यहाँ पर किया ही गया है, साथ ही यह भी बताया गया है कि उन्होंने कुछ विशेष पुस्तकें भी लिखी थी, जिसमें उनकी आत्मकथा सबसे ऊपर है। उसके अलावा चंपारण में सत्याग्रह, बापू के कदमों में आदि उनकी प्रमुख उल्लेखनीय पुस्तकों में शामिल है। वे भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो दो बार राष्ट्रपति चुने गए। राजेंद्र प्रसाद जी एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो दो बार राष्ट्रपति चुने गए। सन 1962 में उन्हें भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। उन्हें भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित कब किया गया? सन 1962 ईस्वी में, जिसके वे सच्चे अर्थों में हकदार थे। 28 फरवरी 1963 को पटना में इनकी इह लीला यानी इस लोक का जीवन जो है समाप्त होने के साथ एक महान आत्मा इस संसार से विदा हो गई। यानी उनकी मृत्यु कब हुई? 28 फरवरी 1963 को। तो ये राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में हम लोगों ने उनका पूरा व्यक्तित्व का वर्णन यहाँ पर जिस तरह से दिया गया है उसको पढ़ा, और आशा है आप लोगों को अब ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आज आप लोगों का होमवर्क है स्पेलिंग का। आप इसी चैप्टर का फर्स्ट पेज यानी पेज नंबर 43 लर्न करेंगे।